नमस्कार, मिथिला मस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज, और लगातार मिथिला मस्ट न्यूज बड़ी खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करिए हर घंटे। तो हम बता दें, सबसे बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रीय जनता दल ने तमाम बागियों को हरका दिया है और कहा है कि आप अगर राजद प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं या मुहिम चलाते हैं तो आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। हम बता दें कि हायाघाट में भोला यादव के खिलाफ दो दो राजद के प्रत्याशी हैं। गीता देवी खुद कर नामांकन करने वाली हैं, मणिकांत हैं वो नामांकन करने वाले हैं। इसके अलावा बता दें, ओम प्रकाश खेरिया भी लगातार शहर में अपना करार रुख अपनाए हुए हैं। तो कई ऐसे प्रत्याशी हैं, बागी हैं, जिन पर राजद के द्वारा कड़ी कार्रवाई। लेकिन आज हम बता दें बड़ी खबर आपको कि किस किस दिन किसका नामांकन होगा। ये हम बता दें, 17 और 19 ये दो तारीख ऐसे हैं जिसमें सबसे अधिक नामांकन होंगे। सभी प्रत्याशी 19 तारीख तक अपना नामांकन कर लेंगे। दरभंगा के जो 5 विधानसभा हैं जिनका चुनाव 7 नवंबर को होना है, उनके लिए 19-20 तारीख अंतिम दिन रखा गया है। तो 17 तारीख को जिनका होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। आज 17 तारीख को भोला यादव हायाघाट से नामांकन करेंगे। बहादुरपुर से रमेश चौधरी नामांकन आज कर रहे हैं। तो दो आदमी को बता दें कि 17 को जो करेंगे भोला यादव और रमेश चौधरी। वहीं हम बता दें 19 को सबसे अधिक नामांकन होना है। 19 को भारतीय जनता पार्टी के 4 विधानसभा के चारों का नामांकन 19 तारीख को होना है और ये चारों होगा दरभंगा के समाहरणालय स्थित केंद्र में, जिसमें हम बता दें भूपेंद्र यादव आएंगे और संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो आएंगे भारतीय जनता पार्टी के इस नॉमिनेशन में। तो हम बता दें भारतीय जनता पार्टी के 4 संजय सरावगी, रामचंद्र साह, मुरारी मोहन झा और जिवेश मिश्रा, ये चारों का नामांकन 19 तारीख को होना है दरभंगा में। इसके अलावा बता दें राष्ट्रीय जनता दल से भी दो हैं, जिसमें आपको बता दें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी और अमरनाथ गामी, ये दो जो प्रत्याशी हैं, अमरनाथ गामी दरभंगा शहरी विधानसभा से और अब्दुल बारी सिद्दीकी कोटी से, ये दोनों का नामांकन भी 19 तारीख को होगा दरभंगा में। और एक और बता दें कि मदन सहनी एक जदयू के ऐसे बचे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में एकमात्र जदयू का उम्मीदवार है। मदन सहनी भी 19 तारीख को नामांकन करेंगे। मदन सहनी, तो मदन सहनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के 4 यानी कि 5 एनडीए का नामांकन होना है 19 को, और राष्ट्रीय जनता दल में जो है सो सिद्दीकी और अमरनाथ गामी 19 तारीख को करेंगे, और 17 को भोला यादव और रमेश चौधरी आज नामांकन करें। तो दरभंगा की बड़ी खबर बता दें, दरभंगा में आज 2 नामांकन होगा। आज काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उमड़ेंगे क्योंकि भोला यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता, कद्दावर नेता हैं, जो बहादुर की जगह हायाघाट से चुनाव लड़ रहे हैं, आज वो नामांकन करेंगे। उनके नामांकन रैली में सैकड़ों लोग जमा हुए हैं। दूसरी तरफ रमेश चौधरी के भी नामांकन में आज सैकड़ों लोग जमा हुए हैं। तो ये दो हैं जो 17 को करेंगे, बाकी 19 तारीख को सबसे अधिक होने हैं, जिसमें एक बार फिर से सुन लें कि रामचंद्र साह हायाघाट, संजय सरावगी दरभंगा शहरी, जाले से जिवेश मिश्रा और कोयटी से मुरारी मोहन झा, ये चारों भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 19 को नामांकन करेंगे। वहीं हम बता दें अब्दुल बारी सिद्दीकी कोयटी से और दरभंगा शहरी से अमरनाथ गामी भी 19 तारीख को नामांकन करेंगे। इसके अलावा जदयू के मदन सहनी भी 19 को नामांकन करेंगे। तो लगातार हमारी नज़र रहेगी हर छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन अगली बड़ी खबर बता दें, क्या कोयटी और दरभंगा ग्रामीण में हुई है डील? यादव मतदाता MOI समीकरण इस बार नहीं टूट रहा है। क्या मोहम्मद अली अशरफ फातमी को चुकाना पड़ेगा बड़ी कीमत? तो दूसरी तरफ क्या जो अब्दुल बारी सिद्दीकी और अली अशरफ फातमी के बीच एक गैप है, दरार है, उसे हराने के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी को गंवानी पड़ सकती है सीट? तो देखते रहे मिथिला मस्ट न्यूज़ का हर अपडेट खबर यूट्यूब में, कहाँ कहाँ समीकरण में फंसा है पेच, और जाप और लोजपा किन किन प्रत्याशियों पर रख रही है पैनी निगाहें ताकि उन्हें सीट दिया सके। देखते रहे मिथिला मस्ट न्यूज़ पर। धन्यवाद।